दोस्तों T20 में भारत का 10 तारीख को एडिलेड में मुकाबला होना है इंग्लैंड से सेमीफाइनल का। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ी खबर आई कि रोहित शर्मा को कलाई में चोट लगी है, तो क्या रोहित शर्मा अब नहीं खेलेंगे? तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं। तो दोस्तों दरअसल हुआ ये था कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के सेमीफाइनल से ठीक पहले ये खबर आई थी कि रोहित शर्मा को कलाई में चोट लग गई है। रोहित शर्मा मंगलवार को सुबह नोट्स पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी 150 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से गेंद उनके हाथों की कलाई में लगी और रोहित शर्मा तुरंत कलाई पकड़कर नोट्स से बाहर चले गए। करीब 40 मिनट बाद लौट भी आए और बल्लेबाजी और BCCI के अधिकारी से पूछने पर चला कि रोहित शर्मा की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है और वो आने वाले अपने सभी मैच खेलेंगे। वो टीम इंडिया और टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 10 तारीख को भारत इंग्लैंड से एडिलेड में अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगा और कप्तान और ओपनर के तौर पर रोहित शर्मा का रोल बेहद अहम होता है। और रोहित शर्मा जब भी चलते हैं सामने वाली टीम कभी नहीं चल पाती। आपको पता है कि अभी रोहित शर्मा फिलहाल नहीं चल पा रहे, लेकिन आपको पता है कि वो जब भी चलते हैं सामने वाली टीम को पेलते ही हैं। तो इसलिए आप रोहित शर्मा की दुआ कीजिए कि वो भी अपने फॉर्म में आ जाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आप और अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।